अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो इस तरह से एक मुद्दा जनता ने बना दिया है राष्ट्रवादी लोगों का, क्योंकि कांग्रेस के लोग और विपक्ष के लोग आतंकवादियों की हौसला अफजाई कर रहे हैं और पाकिस्तान को सुख देने वाले बयान दे रहे हैं तथा अपने भारत के प्रधानमंत्री जी को गाली बक रहे हैं। आतंकवादियों से कहते हैं जी अजहर मसूद जी, फलाने जी, फलाने जी, और अपने प्रधानमंत्री जो हमारे माननीय कांग्रेस के अध्यक्ष महोदय राहुल गांधी जी के पिता के समान हैं नरेंद्र मोदी जी, उनको अपशब्द बकते हैं, गाली बकते हैं, चोर है कहते हैं। उन्होंने अपनी मर्यादाएं भी लांघ दी हैं, जो राजनीतिक शिष्टाचार है वो भी समाप्त कर दिया है। इस मुद्दे को भी जनता ने बना लिया है, जनता का मुद्दा ये भी हो गया। आपके सामने है, माना जा रहा है कि आप लोग दोनों ही लोग मजबूत हैं, लेकिन फिर भी जो है हरीश रावत कह रहे हैं कि मैंने जो है तमाम यहाँ पर क्षेत्र देखा है, आप क्या कहेंगे? मैंने भी सारा क्षेत्र देखा है, मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूँ और वो भी रहे हैं, और मैंने मेरे तो बूथ लेवल तक रीच है, गांव गांव घर घर मेरा जाना है। इससे कोई मतलब नहीं होता है, हम लोगों ने देखा है ये तो लड़ाई चल रही है इस समय राष्ट्रवाद और राष्ट्र विरोधी लोगों के बीच में, आतंकवाद को समाप्त करने वालों के बीच में और आतंकवादियों के हौसले बुलंद करने वालों के बीच में। इसलिए हरीश रावत जी ने कांग्रेस का झंडा पकड़ा है, जो कांग्रेस की स्थिति ठीक नहीं है, और हमने भारतीय जनता पार्टी का झंडा पकड़ के हम आगे आए हैं। हमारे पास नरेंद्र मोदी जी जैसे क्रिस्टल क्लियर नेतृत्व हैं, साफ और स्वच्छ छवि के व्यक्ति हैं, जिन्होंने भारत को आज नंबर एक पर पूरे विश्व में प्रतिष्ठापित कर दिया है।